अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ उमर अशरफ। आप देख रहे हैं अहमद फैमिली टीवी। अपना आज हम बात करेंगे जनाब इंडिया बा मुकाबला इंग्लैंड के बारे में। इंग्लैंड की टीम ने बड़ा ही उम्दा मुकाबला किया है इंडिया के साथ, लेकिन सिर्फ बेन डकेट की हद तक, क्योंकि इंडिया ने 400 प्लस किए थे और बेन डकेट की वजह से इंडिया इंग्लैंड की जो टीम है वो 300 प्लस कर पाई। बेन डकेट जो है उन्होंने 150 प्लस स्कोर किए और बेन डकेट ने बहुत उम्दा बैटिंग की। तो बस ये है कि इंडिया की टीम में जो बताने वाली बात है वो ये है। मैंने क्यों ये वीडियो बनाई है, मैंने सिर्फ इसलिए वीडियो बनाई है कि मुझे इसमें एक प्लेयर ऐसे हैं जिनका जिक्र करना ज़रूरी था, और उनका नाम है सरफराज। सरफराज जो लड़का है ये बहुत मेहनत करके आया है, ये पिछले 10 साल से बहुत ज़्यादा स्कोर बना रहा है, बहुत रन बना रहे हैं। फाइनली इसको इंडियन टीम में मौका मिला है। उससे पहले मैच में, पहली इनिंग्स में, इसके पहले मैच में, तीसरे टेस्ट में इंग्लैंड के खिलाफ 64 रन स्कोर किए। सरफराज को रन आउट करवा दिया जडेजा ने, वरना सरफराज 100 करता। सरफराज की अम्मी, सरफराज का अबू दोनों आए हुए थे मैच देखने, और बड़े ही संजीदा माहौल था। सरफराज ने जब 50 की वो रोया, उसका वालिद भी रोया, माँ भी रोई, तीनों मिलकर रोए। इसकी माँ ने इसके बाप को देखा, इसके बाप ने सरफराज को देखा, सरफराज ने उन दोनों को देखा, उन तीनों ने पहली बार एक दूसरे को देखा, तीनों रोए, तीनों रो रहे थे, और ग्राउंड में बैठे हर बंदा उनको देख रहा था। उन सब ने उनको पहली बार देखा, उन्होंने उन्हें पहली बार देखा, सरफराज ने उनको पहली बार देखा। एक उन्होंने नहीं फेंकी थी उन्हें। तो इंशाल्लाह किसी और वीडियो से मुलाकात करेंगे। सरफराज आप बहुत अच्छा खेले।